सो या हाय, तो जैसे अभी हमने इनका बियर्ड शेप यहाँ पे किया है, तो अब मैं इनको ये बताने वाली हूँ कि इवन फॉर एवरीवन कि घर पे बियर्ड को हम कैसे केयर करें, कैसे ध्यान रखें और हम क्या स्टेप्स फॉलो करें जिससे कि हमारी बियर्ड की शेप एज इट इज़ मेंटेन रहे अलॉन्ग विद योर स्किन। जनरली क्या करते हैं हम लोग, बियर्ड शेप तो करा लेते हैं लेकिन स्किन को हम भूल जाते हैं साथ में, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो घर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली वी वॉश आवर फेस। फेस जब भी आप धोते तो कहीं ना कहीं आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पीएच बैलेंस आपके बालों का डिस्टर्ब करता है। तो मेनली मैंने देखा है बियर्ड आपकी बहुत ड्राई लगती है क्लाइंट की, मतलब वो खुद कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम घर पे जब मेंटेन करते हैं तो बहुत ड्राई फील होता है, मे बी वी सी फ्लेकीनेस इन द बियर्ड और उनकी शेप बड़ी आउट हो जाती है। तो उसको कैसे ध्यान में रखना है, तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं कि हमने जो भी फेस वॉश यूज़ करना है उसका पीएच हम ज़रूर चेक करें कि क्या है, सो दैट हमारा स्किन का पीएच जो कि 4.5 टू 5.5 होता है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे अलॉन्ग विद योर हेयर। सेकेंड आता है कि आपने बियर्ड के लिए क्या अलग से बियर्ड शैम्पू यूज़ किया है या आपने साबुन से मुँह धो लिया है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर बियर्ड के प्रोडक्ट यूज़ करिए, बिकॉज अगेन जिस तरह आप अपने बालों का ध्यान रखते हैं उसी तरह से आपके फेस पे बियर्ड भी है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट्स, आप ऐसे कौन से यूज़ करिए उसको मेंटेन करने के लिए एट होम। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग अ मोरक्कन ऑयल जिससे हम इसको शाइन के लिए हम लोग यूज़ करें, वी विल सी द सॉफ्टनेस। सो मोरक्कन ऑयल में, मोरक्कन कंपनी में देर इज़ अदर प्रोडक्ट ऑल्सो लाइक K18 आप यूज़ कर सकते हैं टू गिव अ सॉफ्टनेस टू द बियर्ड, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर ब्रांड्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, आप वो भी ले सकते हैं। उस्तरा ब्रांड है आपका, बियर्डो आता है, सो यू हैव इंटायर रेंज नाउअडेज कि भैया आपको क्या यूज़ करना, आपको सिर्फ उस विंडो से परचेज करना है कि मेरे बियर्ड के लिए ये नंबर वन शैम्पू हो गया, ये उसका प्री हो गया, फिर ये हमारा ऑयल हो गया, फिर वैक्स हो गया, सो दैट वी कैन यूज़ इट। बट इफ़ यू आर कीपिंग अ बियर्ड आई रियली रिक्वेस्ट कि यू शुड मेंटेन इट एट होम। एंड बियर्ड के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप 15 दिन में आके उसको शेप कराइए, और बियर्ड शेपिंग भी अगर आप करा रहे हैं तो प्लीज़ अपने फेस के अकॉर्डिंगली। सो आइडियल फेस शेप हम बोलते हैं कि ओवल होता है, एंड इफ समबडी इज़ हैविंग अ लॉन्ग फेस और बियर्ड का शेप भी उसने लॉन्ग कर लिया है तो फेस की शेप आउट हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक यू कैन टॉक टू योर हेयर ड्रेसर ऑल्सो एंड यू कैन शेयर योर इनपुट कि भैया मुझे इस तरह की बियर्ड चाहिए रेफरेंस पिक्चर्स के साथ, तो आपके हेयर ड्रेसर के लिए भी ईजी हो जाता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। सो दैट इज़ अ थिंग विच वी कैन डू एट होम एंड फॉर द सलॉन। तो फर्स्ट स्टेप इज़ शैम्पू, आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं फेस अपना बियर्ड क्लीनिंग के लिए यूज़ प्रॉपर बियर्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंड थिंग इज़ योर बियर्ड कंडीशनर सो दैट आपका जो बियर्ड का बाल है वो सॉफ्ट रहे, ड्राई ना दिखे। और बिकॉज स्किन में जनरल प्रॉब्लम क्या आती है कि हम देखते हैं कि बियर्ड में बहुत फ्लेक्स दिखते हैं कई बार किसी के, क्योंकि स्किन आपकी बियर्ड की ड्राई हो जाती है और स्किन उतरने लग जाती है, वो हम ध्यान नहीं दे पाते। तो प्रॉपर कंडीशनर भी यूज़ करना है सो दैट पीएच बैलेंस आपका मेंटेन रहे। थर्ड आता है आपका, या तो बियर्ड ऑयल यूज़ करेंगे टू गिव अ सॉफ्टनेस, अगर आपकी बियर्ड हैवी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ यू शुड यूज़ अ वैक्स अलॉन्ग विद ऑयल सो दैट इट शुड मेंटेन एंड इट यू विल गेट द शेप। आपकी जो शेप जो आपने बनवाई वो एज इट इज़ रहे, ना कि आउट शेप हो जाए कि यहाँ से बाल अलग जा रहा है यहाँ से अलग जा रहा है। उसके अलावा फिर स्टेप बोलूँगी कि एवरी 15 डेज गो एंड गेट योर बियर्ड शेप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको प्रॉपर शेप कराइए। अगर आपने बियर्ड रखी है तो उसको मेंटेन करिए, या तो फिर बियर्ड मत रखिए, क्लीन शेप रहिए, ईजी वे आउट।